नमस्कार, आप देख रहे हैं राजपट टीवी और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे बड़ी खबरों की ओर। सिंचाई नलकूप पर मीटर लगाने पर किसान विरोध प्रदर्शन करेंगे। धनोरा के अलग अलग बिजली घर पर किसानों का धरना प्रदर्शन होगा। सिंचाई नलकूप पर मीटर लगने के विरोध में ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। भाकियू असली के निर्देशन पर बिजली घरों में ये घेराव किया जा रहा है। अमरोहा के कुआं खेड़ा, चुचैला, बछरायू, थ्योडी, आजमपुर आदि बिजली घर पर ये धरना चलेगा। जनपद अमरोहा के ब्लॉक धनोरा का ये पूरा मामला है। तो ये बता दें कि अमरोहा से इस पूरे तमाम मुद्दे पर अधिक जानकारी के लिए जयदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयदेव, ये मामला क्या है जहां प्रदर्शन किया जा रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला जो है अमरोहा का है, जहां पर जो है आज किसान 12 बजे से ही आने शुरू हो गए हैं। जो कि ये नलकूप और ट्यूबवेल वाली जो उनका जो मीटर जो है लगाने को लेकर आज किसान जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, उसमें जो है जो भाकियू असली के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चौधरी हरपाल सिंह, उनका कहना है कि सरकार जो है पार्लियामेंट में जो बिजली से संबंधित बिल पास करने जा रही है, उसी के विरोध में आज किसान संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर जो है ये जिले में जो है जगह जगह बिजली घरों पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जी, ये प्रदर्शन जो कर रहे हैं, इनकी मांगे क्या है कि मीटर ना लगाएं? जी जी, ये किसानों का साफ कहना है कि जिस तरह से जो है सरकार बिल पास करने जा रही है, उसी को लेकर जो है ये प्राइवेट जो है संस्था के हाथों में सौंप दिया जाएगा, जिसमें जो कॉपरेटर होते हैं, अगर किसान के जो भारतीय असेंबली के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो कहना है कि अगर रात को किसान के तार अगर टूट जाता है तो कोई भी जो है इसको जोड़ने नहीं जाएगा। तो इसलिए जो है आज पूरे जिले भर में, जिसमें अमरोहा के धनोरा, चुचैला, कुआखेड़ा, बछरायू, धोती और आजमपुर में जो है जगह जगह ये धरना जो है वो चल रहा है। जी, जी। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। केंद्र सरकार आज पूरे हिंदुस्तान के किसानों के खिलाफ एक बड़ा निर्णय ले जा रही है। आज बिजली बिल 2022 पार्लियामेंट सरकार पेश करेगी। यही बिल सरकार पहले बिजली बिल 2020 के नाम से तैयार किया था, लेकिन 13 महीने बॉर्डर पर चले किसान आंदोलन को लेकर इसको ठंडी भट्टी में डाल दिया था। तो वही लोनी में भारतीय सेन युवा मोर्चा संगठन के माध्यम से सेन समाज के महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में लखनऊ से जिला पंचायत अध्यक्ष रहे धर्मेंद्र प्रधान ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान लोनी में सेन समाज द्वारा राजनीतिक चुनौतियों को देखते हुए 2022 में होने वाले नगर पालिका चुनाव की दावेदारी को लेकर चंद्र पवार का नाम सामने रखते हुए सर्व समाज ने एकजुट होकर चुनाव लड़ने की बात की है। तो इस दौरान कार्यक्रम में समाज के सहयोगी वरिष्ठ लोगों को स्मृति चिन्ह और पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। ये मामले का कैंप आज लगा है और जितने भी हमारे यहाँ डिस्पेंसरी है वहाँ भी और यहाँ भी सीएचसी में भी लगभग 6000 का टारगेट आज का रखा गया है। मेरा सभी लोनी वासियों से हाथ जोड़ के अपील है, हालांकि लोनी में लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं, पिछली बार भी बड़ा सरप्राइज की बात थी, जब वेव आई तो कोरोना की वेव में लोनी प्रभावित नहीं हुई, सेकेंड वेव में भी लोनी कि लोग जो बाहर गए वो कोई छोटा मोटा नुकसान हुआ, लेकिन जिस तरह से दुनिया के अंदर जर्मनी जैसा देश तबाह हुआ और अमेरिका जैसे देश हाथ खड़े कर दिए, उस टाइम जो है देश के सर्वोच्च प्रधानमंत्री और दुनिया के सर्वोच्च नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से देश को संभाला और एक नहीं दो दो डोज दी और उसका विरोध उन्होंने किया, विपक्षियों ने किया उस टाइम। ये सम्मेलन का उद्देश्य यह था कि हमारे समाज के लोग सारे कई तमाम जिलों से आए हुए लोग, प्रदेश भर से आए हुए लोग, ये सरकार को वो करना चाह रहे थे कि हम लोग सब एकजुट हैं, हमारी भी मांगे मानी जाएं, हमारी भी बातें सुनी जाएं, और जैसे तमाम समाज के लोगों की अपेक्षाएं रहती हैं उसी तरह हमारे समाज की भी अपेक्षाएं हैं कि नहीं हमारे समाज को भी भागीदारी दी जाए। तो क्या मांगे आप? भागीदारी दी जाए कि हमारे भी लोग चुनाव लड़ें। अभी नगर पंचायत का चुनाव आ रहा है, नगर पंचायत में भी हमारे देखो भाई हैं, भाई जी को टिकट दिया जाए, भाई को चुनाव लड़ाया जाए। तो क्या प्रत्याशी के रूप में इन्हीं का चेहरा आप लोग सामने रखेंगे? हाँ रखेंगे, जी रखेंगे, हम लोग भाई का चेहरा रखेंगे सामने।
तो अगली खबर गाजीपुर से है, जहां भावर कोल थाना क्षेत्र के बीरपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। एसपी ने बताया कि आज भोर में भावर कोल पुलिस और एसओजी की टीम चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक पिकअप आते दिखी, जिसे पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, तो वहीं उसमें बैठे बदमाशों ने पुलिस पर फायर कर दिया। पुलिस ने वाहन का पीछा किया और बीरपुर के पास घेरबंदी कर वाहन को रोक लिया। इसमें सवार तीन बदमाश उतर कर भागने लगे और पुलिस पर फायर झोंक दिया। वही पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में फायर की, जिससे एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। गश्त जो है वो लगातार एसओजी और थाना पुलिस द्वारा की जाती है। कल जो है यानी कि आज अर्ली मॉर्निंग करीबन 3:30 बजे के आसपास भावरकोल पुलिस और एसओजी ने एक पिकअप को चेकिंग के दौरान रोकने की कोशिश की थी। पिकअप में सवार कुछ लोगों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा मुठभेड़ में एक व्यक्ति जो है वो घायल हुआ है। जो व्यक्ति घायल हुआ है उसका नाम अनीस खान उर्फ सोनू खान बताया जा रहा था। तो कासगंज जनपद के बरौना गांव में गंगा अपना रौद्र रूप दिखा रही है। गंगा की धार की रफ्तार तेजी से कटान कर रही है। पिछले 24 घंटे के भीतर 7 मीटर से अधिक का कटान हुआ है। कटान से क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और गंगा में बढ़ते जलस्तर की वजह से सैकड़ों बीघा फसल भी जलमग्न हो चुके हैं। तो वही तेजी से हो रहे कटान की वजह से बाढ़ की संभावना को लेकर बरौना गाँव के ग्रामीण और आसपास के गाँव में ग्रामीण बेहद परेशान है। दिक्कत समस्या जा रही, जमीन तो पूरी कट गई है 1500 बीघा। अब गांव पलायन करने लगी तैयार है। प्रशासन जो मदद कर रहा है उससे हमें कोई राहत नहीं मिल रही है। बांध वगैरह की जब तक व्यवस्था नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। तो हम शासन से चाहता है हमारी मदद करिए, बांध हमारे यहाँ बनवा दिया जाए जिससे गाँव सुरक्षित बच सके। जैसे कि कल कासगंज जिलाधिकारी ने कल गांव का दौरा भी किया था, क्या आश्वासन देकर गई? मैं आश्वासन ये देकर गई कि सिंचाई विभाग जो है, जो प्रभु बांध वगैरह जो पड़ रहे हैं अब तो यही पड़ पाएंगे, और 2-3 महीना बाद जब बाढ़ खत्म हो जाएगी उसके बाद आपकी बांध की व्यवस्था करते। लखनऊ से खबर है, जो पेट्रोल टंकी पर पेट्रोल डीजल में पानी मिलाने का आरोप लगाया गया। इंदिरा नगर के रिंग रोड स्थित सेक्टर 16 पेट्रोल पंप पर ग्राहकों ने पेट्रोल डीजल में मिलावट का आरोप लगाया। ग्राहकों ने तेल में मिलावट देखकर पेट्रोल पंप पर हंगामा किया। पेट्रोल पंप के मैनेजर ने पेट्रोल डीजल में मिलावट की बात से इनकार किया है। पंप के मैनेजर ने बारिश का पानी टैंक में जाने की बात कही। मैनेजर के अनुसार भारी बरसात के चलते पेट्रोल की टंकी में पानी चला गया। समाजवादी पार्टी के निवर्तमान जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव पर रविवार रात एक जानलेवा हमला हुआ। शहर के भदावर हाउस के पास उनकी कार में ट्रक चालक ने पहले पीछे से टक्कर मारी और फिर लगभग आधा किलोमीटर तक कार को घसीट कर लेते हुए ले गए। हमले से वो बाल बाल बच गए। वहीं आरोपी ट्रक चालक को पुलिस ने अपने हिरासत में लिया। मैं समाजवादी पार्टी कार्यालय से घर जा रहा था, भदावर हाउस के पास पीछे से ट्रक आ रहा था, आगे हम चल रहे थे, पीछे से ट्रक ने टक्कर मारी। उस हल्की सी टक्कर हमारी लगी, उसके बाद मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी। उसके बाद उसने फिर तेज़ी से टक्कर दोबारा फिर तेज़ी से आगे टक्कर मारी और उसमें गाड़ी हमारी घूम गई और उस आगे खींचते हुए गाड़ी ले गया। और उसके बाद मैंने दो बार गाड़ी बैक की, फिर टक्कर मारे, फिर बैक की, फिर दोबारा फिर टक्कर मारी और खींचते हुए लगभग 700 मीटर तक गाड़ी आगे हमारी खींचती हुई गई, और जिसमें किसी न किसी की साजिश है, जिसमें हमारी हत्या कराने का पूरा प्रयास किया गया। तो ये खबर नोएडा से है, जो पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान बदमाश को गोली लग गई है, जिसे घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इख्तियार बदमाश को गोली लगी है। इससे पहले मुठभेड़ में इसके साथी को गिरफ्तार किया गया था, जिसके कब्जे से चोरी की बिना नंबर प्लेट की बाइक बरामद हुई। 3 मोबाइल, 1 असलहा सहित जिंदा खोखा कारतूस भी बरामद हुआ। घायल के ऊपर दर्जन भर से ज्यादा लूटपाट और चोरी के मुकदमे दर्ज है। नोएडा के थाना फेस 1 क्षेत्र के 14A के पास चेकिंग के दौरान देर रात ये मुठभेड़ हुई। जो रूटीन की चेकिंग हमारी चलती है, लेबर चौराहा पे चेकिंग कर रहे थे हमारे एसआई सुनील शर्मा। एक स्पोर्ट बाइक बहुत तेज़ी से आई, इनके द्वारा रोकने का प्रयास किया गया, नहीं रुकी। और जब वो मोटरसाइकिल भागी, मोटरसाइकिल सवार उसको लेकर भागा, तो टीम ने पीछा किया। वो भागते हुए गोल चक्कर तक पहुँचे, वहाँ चौकी इंचार्ज एसआई दीनानाथ को भी मौजूद थे,
उन्होंने भी उसका पीछा शुरू किया। पूरी पुलिस टीम पीछा कर रही थी। ये मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति भागते हुए 14 MA शनि मंदिर की तरफ आया और संयुक्त से सामने एक PCR आ रही थी। PCR देख के घबरा गया और उसने मोटरसाइकिल छोड़कर पुलिस को फायर किया। तो वही गाजियाबाद के लोनी में स्वास्थ्य विभाग द्वारा CHC लोनी पर कोरोना के बूस्टर प्रिकॉशन डोज के लिए मेगा कैंप का आयोजन किया गया था। बड़ी संख्या में लोगों ने वहां पे डोज लगवाने के लिए पहुंचे थे। इस मौके पर लोनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर भी यहां पहुंचे और लोगों से ज्यादा संख्या में पहुंचकर प्रिकॉशन डोज लगवाने की अपील की। नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि लोनी के लोग स्वास्थ्य के लिए जागरूक है, इसलिए कोरोना की पहली और दूसरी लहर में भी यहां ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। देश के प्रधानमंत्री ने एक नहीं दो डोज सभी को लगवाई है। हालांकि इसका सबसे पहले विपक्ष ने विरोध किया था, फिर सहमति जताई और सही बताया। तो ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।